close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. वेलकम बैक टू माई चैनल। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत खास होने जा रहा है, क्योंकि आज मैं आपके साथ में शेयर करूँगी बहुत ही इंटरेस्टिंग से DIYs जो कि फेस्टिवल रिलेटेड है, क्योंकि फेस्टिवल बिल्कुल बस करीब है। बस हम लोग इस टाइम पे बस सर्च करते हैं ना कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हम घर को डेकोरेट कर सकें, कुछ यूनिक सा हो, कुछ अच्छा सा हो। तो मैं भी ऐसे ही सर्च करती रहती हूँ, स्क्रॉल करती रहती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ आपको पसंद आती है ना वो थोड़ी कॉस्टली होती है और लगता है कि यार खरीदे नहीं खरीदे, इतनी अच्छी होगी या नहीं होगी। मैंने सोचा क्यों ना इस बार अपने हाथों से DIY करूँ, तो मैंने कुछ DIY टी लाइट होल्डर्स बनाए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत बने हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये टी लाइट होल्डर्स बनाना बताऊँगी, जिनको कि बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है और पूरी तरह से ऐसी चीज़ों से बने हैं जिनको आप बेकार समझ के ना बिल्कुल फेंक देते हैं। तो और ये देखिए कुछ इस तरीके के हैं, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बने हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। और बस इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा मैंने किस चीज़ से बनाए हैं, और आप भी इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। और एक मैंने दो मैंने ये बनाए हैं और ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारे बने हैं। मैंने वॉल हैंगिंग बनाया है जो कि बोहो स्टाइल में बनाया है, जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत ही खूबसूरत बनाए हैं। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए, आपको बहुत मज़ा आएगा। और सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ दिल से आपके सपोर्ट, आपके प्यार के लिए। आपका सपोर्ट प्यार दोनों मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं आगे बढ़ूँ और अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँ और ज़्यादा मेहनत करूँ। इतना प्यार हमेशा ऐसे ही बनाए रखिएगा, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो आज के इस DIY में मैं इन चीज़ों का यूज़ करने वाली हूँ। मेरे पास दो तीन तरह की जूट रोप रखी हुई हैं और ये डायरी के कवर हैं जो कि काफ़ी मजबूत हैं, काफ़ी स्टर्डी हैं। तो इनके साथ में मैं कुछ DIY करूँगी आज, आपके साथ में शेयर करूँगी, और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज का जो वीडियो है, आज के जो भी DIYs हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। और वैसे भी फेस्टिवल शुरू हो रहा है, फेस्टिवल मतलब वैसे भी दिवाली बस आने ही वाली है, तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा ये वाला वीडियो। तो इसको वीडियो को पूरा देखिएगा। तो मैंने फेविकॉल को इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लिया और उसके बाद में मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ जूट रोप। ये थोड़ी सी मोटी जूट रोप है, इस तरीके से कर रही हूँ। मुझे बोहो स्टाइल डेकोर जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मतलब बहुत क्रेज़ी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं उसकी DIY ज़रूर आपके साथ में आगे भी शेयर करती रहूँगी। तो मैंने जो बीच में फेविकॉल लगाया था ना वो सारा सूख गया, क्योंकि कूलर भी चल रहा है, पंखा भी चल रहा है, तो मुझे बार बार अब फेविकॉल लगा के ना इसको स्टिक करना पड़ रहा है। तो आपके घर में ना बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जिनको आप रीयूज़ करके, क्रिएट करके उनके साथ में अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, और बस थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि क्या करना है, क्या क्रिएट करना है। क्रिएटिविटी हर इंसान के पास होती है, बस वो एक बार करने के लिए बैठे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। तो बस मैं भी यही ऐसे ही उथल पुथल कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। और ये देखिए, ये पूरा जूट रोप को मैंने लगा दिया, और मेरे पास एक ये ब्राउन कलर की है, शायद वीडियो में आपको क्लियर नहीं दिख रही होगी, थोड़ा सा इसका कलर डिफरेंट है, तो ब्राउन कलर की है। तो मैं इसके चारों तरफ इसको स्टिक कर दूंगी। ये डोरी है, ये जूट रोप नहीं है, और इसके ऊपर मैंने फेविकॉल की मदद से चारों तरफ लगा दिया। और ये देखिए उसके बाद में फिनिशिंग कितनी ज़्यादा अच्छी आ रही है। अब मैं जो बना रही हूँ ना, इसके टेसेस बना रही हूँ, तो ये टेसेस मैं बहुत अलग तरीके से आपको बनाना बताऊँगी। मैं इसमें टेसल्स लगाऊंगी, और ये देखिएगा टेसल्स मैं किस तरीके से लगा रही हूँ। तो मैंने सेम साइज़ की जितने भी टेसल्स चाहिए वो मैंने कट कर लिए हैं, और अब मैं इनको दो डोरी को लेके मैं आपस में इस तरह से जॉइंट कर लूँगी निडल की हेल्प से। और ये देखिएगा
बहुत ही खूबसूरत बनेंगे। और मेरे पास ये वुडन बीड्स भी पड़े हुए थे, तो इसका यूज़ करके मैं इसको टैसल्स बना रही हूँ। और मतलब इसको बनाने में मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है। जब मैं, पता है, जब ये मैं DIY बना रही थी तो वो रात का समय था, क्योंकि अभी नवरात्रे भी चल रहे थे, 9 days फास्ट भी थे और घर में बहुत सारे काम भी चल रहे थे, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो दिन में बिल्कुल वक्त नहीं मिला। तो मैं ये रात को बैठ के कर रही हूँ। रात को करीबन 10:30 बज रहे होंगे, 11 बज रहे होंगे, तो उस वक्त मैंने बैठ के किया। और ये देखिए टेसल्स लगने के बाद में कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है मुझको, तो आप बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। और मैं अब मार्क कर रही हूँ यहाँ पर एक लाइन ये चौक की मदद से, क्योंकि ये अभी अंदर की तरफ थोड़ा प्लेन है, तो मैं इसमें कुछ कलर ऐड करने वाली हूँ सेंटर में। तो मैंने इसमें गेरुआ जो कलर होता है ना, उसकी एक स्ट्रिप दी है मोटी सी, ताकि ये थोड़ा सा ना और पॉपअप होके आए, थोड़ा सा और खूबसूरत लगे। तो ये देखिए कलर होने के बाद में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अगर ये थोड़ा सा बड़ा होता ना, 12x12 का होता, तो बहुत खूबसूरत लगता। अगर आप कार्डबोर्ड के ऊपर बनाना चाहते हैं या कार्टन होते हैं उसके ऊपर भी कटिंग करके इसको बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो मुझे यही अच्छा लगा, इतना वक्त भी नहीं था तो मैंने इसी पे ट्राई किया। मैं आगे भी कुछ इस तरीके का कुछ अलग डिफरेंट ट्राई करने वाली हूँ और आपके साथ में ज़रूर से शेयर करूँगी। तो ये फ्लास्क को ना मैंने कुछ इस तरीके से अनइवन ऑर्डर में इसको स्टिक कर दिया। ये देखिए सारे स्टिक हो गए। अब मेरे पास ये एक पतली जूट रोप पड़ी हुई है सिंगल प्लाई की, तो मैं इससे भी फ्लावर्स बनाने वाली हूँ। तो इसमें जो फ्लावर्स बना रही हूँ ना, वो थोड़े छोटे छोटे फ्लावर्स बना रही हूँ। और देखिए कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इसको भी इसी तरीके से मैं अलग तरीके से मैं इसको स्टिक कर दूँगी। और मेरे पास ये कुछ पर्ल पड़े हुए थे तो उसको मैंने स्टिक कर लिया। आप इसकी जगह पे सीप लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। मैं बना रही हूँ एक टी लाइट होल्डर। और मेरे पास ये कुछ बैंगल्स पड़ी हुई थी जिनको मैं बिल्कुल नहीं पहन रही थी। ये 2 साल से ऐसे ही अलमारी में रखी हुई थी, तो अभी सफाई करते वक्त मुझे दिख गई। मैंने सोचा क्यों ना इसके साथ में कुछ DIY किया जाए, तो मैं इनको आपस में फेविकॉल से स्टिक कर रही हूँ। और अगर आप इस तरह की बैंगल बनाना चाहते हैं ना, तो मतलब 2 कड़ों को जोड़ के या 4 चूड़ियों को जोड़ के उस पर रेशम का थ्रेड लगा के और उस पर कुंदन मीना, मतलब कुंदन आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर कुंदन नहीं मिलता है तो आपको कलरफुल बिंदिया मिल जाती है, स्टोन बिंदिया, तो उससे भी इसको जो ऊपर वाली जो कड़ा है ना, वो इस तरीके से आप बना सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगेगा, कलरफुल लगेगा। और मैंने अब इनको आपस में फेविकॉल की मदद से इस तरीके से स्टिक कर दिया। और दूसरे वाले जो दूसरा वाला DIY है उसको भी मैंने इसी तरीके से कर दिया। और देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा है ये, मतलब मुझे तो प्लेन ही बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन क्योंकि फेस्टिवल टाइम है ना, तो थोड़ा सा तो डेकोरेट करने का बनता है ताकि वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे और इन्हेंस होके आए। तो मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ फेविकॉल। और फेविकॉल लगाने के बाद में मेरे पास ये जो मिरर है ट्रायंगल शेप के, इसको मैं लगा रही हूँ। और इसको लगाने के बाद में इसमें और भी ज़्यादा अच्छा लुक आ गया। और जब इसमें मैं कैंडल लगाऊंगी ना, तो उसकी जो लाइट होगी, रोशनी होगी, उससे और भी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, चारों तरफ घर जगमग हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ये सोचा। और ये वाला जो टी लाइट होल्डर मैं बना रही हूँ, इसमें भी मैं कुछ लगाने वाली हूँ, तो मैंने फेविकॉल पहले लगा दिया इसके ऊपर। और मेरे पास ये लेस पड़ी हुई थी, काफ़ी खूबसूरत है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी को लगाया जाए। तो आपके ऊपर है, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास जो भी सामान अवेलेबल है या क्राफ्ट की शॉप पे आपको बहुत सारे ऐसे सामान मिल जाते हैं जिससे आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो yeah,
लगाए रहते हैं। और उसके बाद में मैंने देखी राउंड शेप के जो मिरर थे वो मिरर इसके ऊपर लगा दिया, और उसके बाद में तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा। लेकिन अभी भी थोड़ा सा और करते हैं इसमें, मैं लगा रही हूँ ऊपर की तरफ पर्ल ताकि बहुत खूबसूरत लगे, और पर्ल लगाने के बाद सीरियसली बहुत सुंदर बनाएंगे। और मैं इसको ज़रूरी नहीं कि एक कैंडल लाइट होल्डर की तरह से यूज़ करूँ, इसको और भी तरीके से यूज़ कर सकती हूँ था। और ये देखिए आप फटाफट बना सकते हैं क्योंकि फेस्टिवल अब शुरू ही हो चुके हैं, घर में बहुत सारे काम हैं तो आपके पास ये चीज़ें तो रहती ही हैं अवेलेबल, तो आप आराम से इसको फटाफट बना सकते हो, अपने घर को सजा सकते हैं। और मैंने ये जो कार्डबोर्ड था इसके ऊपर नीचे, तो इसके नीचे तो स्त्रिक करना ही पड़ेगा क्योंकि अभी नीचे कुछ नहीं लगाया, तो मैंने गिफ्ट पेपर से इसको रैप कर दिया है। और मेरे पास ये भी पड़ा हुआ था किसी वजह से, मैं लेके आई थी। और ये जो सर्कल हमने काटा है इस तो उसको कवर कर देंगे इससे ताकि वो और खूबसूरत लगे और अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए उसके ऊपर। अभी मैं ये सब काम जो कर रही थी ना रात को, मैंने लगभग 1 बजे तक किया था, 2-3 घंटे लगे थे मुझे, बट मुझे आपके साथ में शेयर करना था, कर नहीं पा रही थी, बहुत टाइम से सोच रखा था मैंने। लेकिन बहुत सारा मार्केट का भी काम चल रहा था, नवरात्रे भी चल रहे थे, बहुत सारी चीज़ें सफाई, क्योंकि मैं घर में अकेली हूँ तो सब कुछ मुझे घर को मैनेज करना होता है, अकेले ही मैनेज करना होता है। बहुत सारी चीज़ें होती है, कभी भी कुछ भी काम अचानक से आ पड़ता है तो मुझे ही करना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा वक्त नहीं निकाल पा रही हूँ आजकल, या नहीं मिल पा रहे हैं मुझे, इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहे हैं। तो आगे मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं आपको टाइमली सारे वीडियोस अपलोड करूँ, क्योंकि अभी बस थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है, थोड़ा तबीयत भी मेरी ख़राब हो रही है, मेरा बीपी लो हो जाता है अचानक से, तो वो सब चीज़ें हो रही हैं। और देखिए अब ये बनने के बाद में इसको मैंने ऐसे ही स्टिक कर दिया क्योंकि नीचे से हाइड हो गया, ये तो दिख नहीं रहा, और बनने के बाद में ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। अब आई है बारी इसको दीवार पर स्टिक करने की, तो मैं अभी फ़िलहाल ले रही हूँ ये डबल साइडेड टेप, और मैंने वॉल पे हैंग करने के लिए कुछ चीज़ मंगाई है जिसको मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। काफ़ी कुछ मैंने दिवाली के लिए सामान मंगाया है तो वो मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। अभी मैंने उनको ओपन नहीं किया है, तो ये देखिए मेरा वॉल हैंगिंग तैयार हो गया और मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। सीरियसली किसी भी छोटी वॉल पे आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं और बहुत आसानी से इसको बनाया जा सकता है, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप बताइएगा आपको कैसा लगा। और मेरी कैंडल भी तैयार हो गई है, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इनको जब मैंने इसमें कैंडल लगाई, और जैसे ही मैं इसको जला रही हूँ तो इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही है ना, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। मतलब मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी और घर पे इस तरह से, मतलब आप इतनी आसानी से इनको बना सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको हेल्पफुल लगा हो और पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर आपको लाइफस्टाइल रिलेटेड हर चीज़ का सॉल्यूशन मिलने ही वाला है। तो फिर से मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।